विद्यार्थियों सुप्रभात। मैं डॉक्टर इकबाल फातिमा से आचार्य इतिहास विभाग राजकीय महाविद्यालय झालावाड़। विद्यार्थियों, एमए फाइनल इतिहास के कुछ बच्चों का आग्रह था कि सेलेबस क्या रहेगा, तो सेलेबस डिस्कस करना चाहती हूँ मैं। और एमए फाइनल इतिहास में 5 प्रश्न पत्र होंगे, उसमें 3 पेपर जो है वो अनिवार्य होंगे, जिसमें प्रथम प्रश्न पत्र है मिडाइवल राजस्थान 1176 से लेकर 1743 ईस्वी तक। इसमें राजस्थान का जो मध्यकालीन इतिहास है उसके बारे में आपको पढ़ना होगा। दूसरा अनिवार्य प्रश्न पत्र है वुमेन इन इंडियन हिस्ट्री, यानी भारतीय इतिहास में महिलाओं की स्थिति क्या है, राजनीति, समाज, अर्थव्यवस्था, राष्ट्रीय आंदोलन, समाज सुधार, और साथ ही साहित्य, कला और संस्कृति क्षेत्र में महिलाओं का क्या योगदान रहा है, उसमें विस्तृत चर्चा इसमें होगी। तीसरा प्रश्न पत्र है अनिवार्य हिस्टोरिकल एप्लीकेशन इन टूरिज्म विद स्पेशल रेफरेंस टू राजस्थान, यानी राजस्थान में जो पर्यटन के अनुप्रयोग है उसके बारे में इसमें पढ़ना है आपको। और ये एक प्रश्न पत्र है जिसमें 30 नंबर आपके प्रैक्टिकल वर्क के लिए होंगे और 70 नंबर का सैद्धांतिक थ्योरिटिकल जो है पेपर होगा। अब मैं चर्चा करने चाहूंगी आपके जो विशेष प्रश्न पत्र है सी ग्रुप के हमारे, तो उसमें 2 प्रश्न पत्र है, जिसमें पहला जो प्रश्न पत्र है 8वां प्रश्न पत्र वह है हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1919 से 1964। इसमें 5 यूनिट है, जैसा कि आप प्रीवियस में पढ़ चुके हैं, जो पेपर पैटर्न है हमारा 3 सेक्शन उसमें होंगे और 5 यूनिट में ये पेपर डिवाइड है। मैं इसकी विस्तृत विवेचना थोड़ा करना चाहूंगी। पहला यूनिट जो है उसमें आपका पहला जो टॉपिक है वो है असहयोग आंदोलन, जो मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। दूसरा है खिलाफत आंदोलन, उसके बाद सविनय आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि हम पढ़ चुके हैं। इसके अलावा आतंकवादी और क्रांतिकारियों की भूमिका क्या है हमारे राष्ट्रीय आंदोलन में, और इसमें चंद्रशेखर और भगत सिंह इन दोनों का जो है विशेष संदर्भ में हमें अध्ययन करना है। इसके अलावा जो इसमें सेकंड पार्ट है वो है गांधी जी के कार्यक्रम, राजनीतिक और उनके आर्थिक और सामाजिक विचार क्या हैं, तो ये इसमें हम पढ़ेंगे। सेकंड यूनिट में जो भारत में संवैधानिक प्रक्रिया की शुरुआत हुई थी, तो उसके अंतर्गत गोलमेज सम्मेलन आयोजित हुए थे 3, प्रथम, द्वितीय और तृतीय, उसके बारे में हमें पढ़ना है। इसके अलावा 1935 का जो एक्ट पारित किया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, उसकी मुख्य विशेषताएं क्या थी, खास बातें उसकी क्या थी, वो आपके लिए एक टॉपिक है। इसके अलावा एक अन्य टॉपिक है भारतीय स्वतंत्रता के जो है प्रमुख कारण क्या थे, फैक्टर्स लीडिंग टू इंडियाज इंडिपेंडेंस, यानी वह कौन से कारक थे जिनसे भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। इसके अलावा आजादी के बाद स्वतंत्रता आंदोलन जब समाप्त और आजादी हमें मिली, तो एक संविधान निर्मित किया गया भारत के द्वारा, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या था और उसकी मेन फीचर्स क्या थे, यानी संविधान की प्रमुख विशेषताएं क्या थी, जैसे हमारा संविधान संघात्मक है और एकल नागरिकता है और इसका एक विस्तृत प्रस्तावना है, बहुत सारी अनुसूचियां हैं, लिखित संविधान है, विश्व के बहुत सारे देशों से हमने बहुत सारी चीजें हमारे संविधान में शामिल की हैं, यहाँ पर मूल कर्तव्य भी है, इसमें नीति निर्देशक तत्व भी है, मूल अधिकार भी है, तो ये सारी चीजें वो क्या है, वो हमें संविधान की विशेषता इस टॉपिक में पढ़नी है। इसके अलावा तीसरा जो यूनिट है उसमें आपके पहला टॉपिक है अली ब्रदर्स, मौलाना शौकत अली और मौलाना मोहम्मद अली, जो कि खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता रहे, उनके बारे में इसमें हमें पढ़ना है। और साथ ही है मौलाना आज़ाद, मौलाना आज़ाद जो एक प्रमुख राष्ट्रवादी नेता थे राष्ट्रीय आंदोलन के, और उनका क्या योगदान रहा शिक्षा के क्षेत्र में, क्योंकि बाद में आज़ाद भारत के शिक्षा मंत्री बने पहले, और उन्होंने बहुत सारे इंस्टीट्यूशन की शुरुआत की जिसमें UGC है और बहुत सारी संस्थाएं, तो वो उनका क्या योगदान रहा, और वो राष्ट्रवादी थे तो निश्चित तौर पर उन्होंने पाकिस्तान निर्माण का विरोध किया और गांधी जी के प्रमुख अनुयायियों में से, फॉलोअर्स में वो एक थे, तो उनका योगदान हमें इसमें पढ़ना है। इसके अलावा एक और टॉपिक है वो द कम्युनल अवार्ड, यानी सांप्रदायिक पंचाट। 1932 में गोलमेज सम्मेलन के बाद जो है एक सांप्रदायिक पंचाट गांधी जी के द्वारा पारित किया गया था, वो हमें इसमें देखना है उसकी क्या प्रमुख बिंदु थे, उसका क्या प्रभाव राजनीतिक आंदोलन पर पड़ा। इसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक है जिन्नाज रोल इन द पार्टीशन ऑफ इंडिया, यानी भारत के विभाजन में जिन्ना की क्या भूमिका रही। मोहम्मद अली जिन्ना जो पहले राष्ट्रवादी नेता थे, लेकिन बाद में
उन्होंने जो है अपना रास्ता बदल लिया और धीरे धीरे जो है मुस्लिम लीग के प्रमुख नेता बन गए और उन्होंने पाकिस्तान के निर्माण का प्रस्ताव रखा, पाकिस्तान का निर्माण उन्होंने करवाया। तो पार्टीशन में उनकी क्या भूमिका रही इसमें हम चर्चा करेंगे। चौथा यूनिट है उसमें समाजवादी आंदोलन के विकास के बारे में पढ़ना है और समाजवादी नेता जो प्रमुख है जिसमें जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण, इनके क्या विचार थे और उनका क्या योगदान रहा समाजवादी आंदोलन के उत्थान में, प्रगति में, उसकी चर्चा होगी। अन्य जो टॉपिक है वो है टेररिस्ट एंड अदर रिवोल्यूशनरीज, यानी आतंकवादी और अन्य क्रांतिकारी जो रहे उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, यानी राष्ट्रीय आंदोलन के अंतिम चरण में कौन कौन से प्रमुख क्रांतिकारी हुए उनकी बात। इसके अलावा जो है दलित वर्ग का आंदोलन और अस्पृश्यता की समस्या और साथ ही उनका समाधान करने के लिए में डॉक्टर भीमाराव अंबेडकर की क्या भूमिका रही वो इस यूनिट में हमें पढ़ना है। इसके बाद लास्ट यूनिट आता है वो है पांचवा यूनिट और इसमें है कि पार्टीशन के क्या परिणाम निकले, विभाजन के क्या परिणाम निकले और उसके बाद आज़ाद भारत में जो रियासतें थी उनका एकीकरण किस प्रकार हुआ, साथ ही वल्लभ भाई पटेल की उसमें क्या भूमिका रही और इसके अलावा कृषि सुधार आंदोलन और पंचवर्षीय योजनाएं जो बनाई गई आज़ाद भारत में आर्थिक स्थिति के विकास हेतु और साथ ही औद्योगिकरण, इसकी चर्चा इस यूनिट में होगी। इसके अलावा नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी यानी निर्गुट आंदोलन और पंचशील और भारत चीन और भारत पाक संबंध क्या रहे, ये जो है टॉपिक्स हैं जो हमें हमारे इस सी ग्रुप के आठवें प्रश्न पत्र में पढ़ने हैं। इसके अलावा जो एक और पेपर है जो मैं पढ़ाऊंगी आपको वो है सोशल एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, यानी आधुनिक भारत का सामाजिक और आर्थिक इतिहास, इसमें हमें समाज और अर्थव्यवस्था की चर्चा करेंगे। इसमें पहला यूनिट है उसमें मेन जो टॉपिक है वो है जनरल फीचर्स ऑफ सोशल लाइफ इन द लेटर हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी, यानी 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में सामाजिक जीवन की प्रमुख विशेषताएं क्या थी। इसके अलावा द पोजिशन ऑफ वुमेन इन द 19th सेंचुरी एंड अटेम्प्ट टू एलिरेट द देयर कंडीशन, यानी 19वीं शताब्दी में महिलाओं की स्थिति क्या थी और उसमें सुधार के लिए क्या प्रयास किए गए। सेकेंड जो यूनिट है उसमें सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन की चर्चा है जिनमें राजा राममोहन राय, दयानंद सरस्वती और विवेकानंद, इनके बारे में हमें पढ़ना है। आप इनके योगदान के बारे में जानते हैं कि राजा राममोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी और सती प्रथा का विरोध किया था, उसी प्रकार दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की और विवेकानंद जो है उन्होंने विश्व में भारतीय धर्म और संस्कृति का प्रचार प्रसार किया और रामकृष्ण मिशन की स्थापना उनके द्वारा की गई। तो इन तीनों का समाज सुधार और धर्म सुधार में क्या रोल रहा, क्या भूमिका रही, वो विस्तृत रूप से इसमें अध्ययन करेंगे। इसके अलावा मुस्लिम समाज में भी सामाजिक सुधार आंदोलन हुए उसकी चर्चा जो है इसी यूनिट में की जाएगी। थर्ड यूनिट है उसमें हमें पढ़ना है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा का विकास, उपयोगितावाद और साथ ही 19वीं शताब्दी के प्रथम जो उत्तरा प्रथम जो भाग है आधा उसमें कौन से सामाजिक परिवर्तन हुए और खास तौर पर जो नए वर्ग का उदय व मध्यम वर्ग वगैरह का, तो उसकी चर्चा इसमें करनी है और साथ ही जो सामाजिक संगठन है उसमें क्या परिवर्तन इस दौरान आया उसकी भी विस्तृत अध्ययन हम इसके अंतर्गत करेंगे। इसके अलावा चौथा यूनिट है उसमें आर्थिक व्यवस्था के बारे में पढ़ना है और खासतौर पर भारत से जो आर्थिक शोषण भारत का हुआ ब्रिटिश काल में, धन निष्कासन की प्रक्रिया शुरू हुई और भारत जो कहा जाता सोने की चिड़िया था और वो काफ़ी आर्थिक दयनीय स्थिति में पहुंच गया ब्रिटिश शासन काल में, तो उसकी विस्तृत अध्ययन हम इसमें करेंगे। इसके अलावा कुटीर उद्योग धंधों और हस्तशिल्प का जो विनाश हुआ ब्रिटिश शासन काल में वो भी हमारा एक टॉपिक है इसमें, और इसके अलावा अंग्रेजों के द्वारा जो रेलवे की स्थापना हुई और औद्योगिकरण की शुरुआत हुई वो इसी यूनिट में है, चौथे यूनिट में। और इसके बाद में आता है लास्ट और पांचवा यूनिट और उसमें हमें भूमि सुधार प्रशासन के बारे में पढ़ना है, उसके में जो है स्थायी बंदोबस्त, महलवाड़ी प्रणाली और साथ ही रैयतवाड़ी जो व्यवस्था थी वो क्या थी और उनका इम्पैक्ट, उनका प्रभाव हमारे आर्थिक स्थिति पर क्या पड़ा, उसकी चर्चा होगी। और अंतिम जो टॉपिक है वो है किसान आंदोलन, यानी ब्रिटिश सरकार की जो कृषि नीतियाँ थी जो विनाशकारी थी, उनकी जो बंदोबस्त थे राजस्व के वो भी किसानों के खिलाफ थे,
तो ऐसी स्थिति में किसानों ने बहुत आंदोलन किए, कूका आंदोलन, बिरसा मुंडा आंदोलन, बहुत सारे आंदोलन हमारे यहाँ पर किसानों के द्वारा किए गए। खासतौर पर राजस्थान में बिजोलिया किसान आंदोलन भी इसी दौरान हुआ, तो वो भी हम इसमें पढ़ेंगे। तो ये हमारा एक आउटलाइन है जो हमारे सिलेबस के बारे में, और उसके बाद जो है आधुनिक जो भारत का आपका जो MA फाइनल का जो है पेपर, उसकी एक विस्तृत मैंने आपके सामने रूपरेखा की है, और इसी के अनुसार जो है हम अपने विभिन्न टॉपिक्स का अध्ययन आगे क्रमबद्ध तरीके से करते रहेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सारी जो है विषय सूची समझ में आई होगी। धन्यवाद।